हैदराबाद में महिला डॉक्टर प्रियंका रेड्डी से हैवानियत के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़कों पर उतर के लोग महिला सुरक्षा पर सवाल कर रहे हैं। इधर पुलिस के जांच में कई खुलासे हुए हैं और आरोपियों का वीडियो और पूरी कुंडली सामने आ गई है। पुलिस के मुताबिक 27 नवंबर की रात को महिला डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को ट्रक ड्राइवर और उसके साथियों ने अगवा किया। आरोपी पीड़िता को सुनसान जगह पर ले गए और उससे जबरन शराब पिलाई और दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। एक आरोपी ने मुंह और नाक दबाकर पीड़िता की जान ली। इसके बाद वहां से 27 किलोमीटर दूर ले जाकर पेट्रोल डालकर उसका शव को जला दिया। शव को के पास से पीड़िता का फोन, घड़ी सब छिपा दिया। चारों आरोपी बचपन के दोस्त हैं। एक आरोपी ट्रक ड्राइवर है। आरोपियों में कोई 18 साल का, तो कोई 20 साल का, तो कोई 22 साल का है। आरोपी नंबर वन नाम आरिफ, उम्र 26 साल, पढ़ाई 10वीं पास। आरोपी नंबर टू नाम शिवा, उम्र 20 साल। आरोपी नंबर थ्री नाम नवीन कुमार, उम्र 20 साल। नवीन और शिवा की आपस में रिश्तेदारी है। आरोपी नंबर चार नाम चेन्ना केशोलू, उम्र 21 साल, परिवार खेती से गुजारा करता है। साल भर पहले ही इसकी शादी हुई है। हैदराबाद केस की जांच के दौरान जो खुलासे हुए हैं उससे यही लग रहा है कि शराब के नशे में धुत आरोपियों ने खौफनाक वारदात को ऐसा खौफनाक तरीके से अंजाम दिया मानो कुछ हुआ ही ना हो। सब पीड़िता को मौत के हवाले करने के बाद आराम से घर चले गए और इतने ये दरिंदगी खतरनाक की करने के बाद भी इनको आराम से चैन मिला। पुलिस को पीड़िता का शव शमशाबाद के बाहरी इलाके में मिला। पुलिस की रिमांड के कॉपी के अनुसार 27 नवंबर की रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की गिरफ्त में है चारों आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगी। डॉक्टर से हैवानियत का गुस्सा और दर्द का एहसास सभी लोगों में दिखाई दे रहा है और सभी लोग बहुत ही गुस्से में हैं। कोई फेसबुक पर, कोई सोशल मीडिया पर, तो कोई सड़कों पर उतर के अपने गुस्से का एहसास दिला रहा है। और ऐसा गुस्सा होना भी चाहिए क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अगर आपको ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,